आज हम बनाएंगे डेली सब्जी में इस्तेमाल होने वाले आलू से क्रिस्पी करारे चटपटे पोटैटो फिंगर रोल चिप्स। यकीन मानिए, इनको खाने के बाद आप बाजार का खाना भूल ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। ये वही आलू हैं जिनसे हम डेली रूटीन में सब्जी बनाते हैं। मैंने कोई स्पेशल आलू यहाँ पे नहीं लिए हैं। तो चलिए फटाफट से पीलर से इनको छील लेते हैं। जो भी इनका छिलका है अच्छे से साफ कर लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ दो ही आलू लिए हैं, तो देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से छील लिया है। अब इसके बाद लेंगे एक बड़े साइज का बोल। अब इस बोल में हम करीब 3 से 4 गिलास के आसपास पानी डाल देंगे। ये नॉर्मल पानी है, जो टंकी वाला पानी होता है ना, तो नॉर्मल पानी लिया है, ना ज़्यादा चिल्ड हो और ना ही गर्म हो। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के नमक, जो सफ़ेद वाला नमक होता है ना, तो वही नमक इसमें हमने डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, पानी में अच्छे से मिला लेंगे। हमने यहाँ पे पानी क्यों लिया है और पानी में नमक क्यों मिलाया है, इसका रीज़न भी मैं अभी बताऊंगी आपको। तो चलिए, पानी में अच्छे से नमक हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद लूँगी मैं पोटैटो स्लाइसर, नॉर्मल वाला जो पोटैटो स्लाइसर होते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप पीलर से भी इनको बारीक बारीक छील सकते हैं, जिस तरीके से चिप्स निकालते हैं ना, तो ऐसे ही। तो हम इस पोटैटो स्लाइसर से चिप्स निकालेंगे, बहुत ही पतले पतले स्लाइस निकालेंगे। जितने पतले होंगे उतने ही अच्छे क्रिस्पी करारे बनेंगे हमारे पोटैटो चिप्स। जब भी कभी आलू के चिप्स बनाएं तो हमेशा उसको पानी में साथ ही डालें, क्योंकि अगर आप अलग से इनको निकालेंगे तो उससे आपके जो चिप्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। और जो हमने यहाँ पे पानी में नमक ऐड किया है तो उससे जो हमारे चिप्स बनेंगे नमकीन बनेंगे। और आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पे चिप्स हैं। तो सेम ऐसे ही आपको बनाने हैं चिप्स, एकदम पतले पतले स्लाइस, तभी एकदम परफेक्ट बनेंगे, एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अब इसके बाद हम एक टॉवल लेंगे और उसको मैंने यहाँ पे फैला लिया है। अब जो हमने यहाँ पे चिप्स बना के तैयार किए हैं तो पानी से इनको निकालेंगे और इस टॉवल पे हम इनको फैला लेंगे, क्योंकि हम इनको धूप में नहीं सुखाएंगे, ना हम इनको पंखे के नीचे सुखाएंगे, सिर्फ टॉवल पे इस तरीके से रखेंगे। जो भी इसका पानी है वो टॉवल से ही हम सुखाएंगे। टॉवल की जगह आप किसी कॉटन के साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे चिप्स का मॉइस्चर है वो सारा हम सुखा लेंगे। तो चलिए, चिप्स हमारे यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं, जितना भी मॉइस्चर था वो हमने टॉवल से सुखा लिया है। अब फटाफट से इनको एक बर्तन में हम रख लेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। आप कोई भी फ्लैट जगह पे भी, साफ जगह पे इनको इस तरीके से फैला लें। अब इसके बाद लेंगे हम एक स्ट्रेनर। अब इसमें 2 छोटी चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अब हल्का सा हम सारे चिप्स पे कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं, या फिर अरारोट नहीं है या कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम चिप्स पे इस कॉर्नफ्लोर को लगा लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा ही। कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारे जो चिप्स बनेंगे एकदम क्रिस्पी करारे बनेंगे। तो चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर टूथपिक ले ली है। अब अपने चिप्स को इन पे रखेंगे और देख सकते हैं फ्रेंड्स, चिप्स को मैं इस तरीके से रोल कर रही हूँ, जैसे फिंगर होती है ना हमारी, सेम इस तरीके से ही हमें पतला सा इसको रोल करना है। और जो ये टूथपिक है इसको इस तरीके से इसके बीच सेंटर में हमें आर पार लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत पतले स्लाइस बनाए हैं आलू के, तो ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे मोटे साइज के चिप्स बनाएंगे तो वे एकदम टूट जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो कोशिश रखें जितने ज़्यादा एकदम ट्रांसपेरेंट से बने उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी टूथपिक को अपने पोटैटो चिप्स में लगा लेनी है। रोल करते जाएँ और टूथपिक लगाते जाएँ। तो सभी चिप्स में मैं इस तरीके से ही टूथपिक लगा के तैयार कर लूँगी। बहुत ही इजी है इन चिप्स को बनाना फ्रेंड्स।
तो चलिए बारी बारी से हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं जितनी भी हमारे चिप्स थे तो मैंने सभी में टूथपिक लगा ली है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो तेल मैंने यहाँ पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए ताकि जो भी हमारा मॉइस्चर है आलू के अंदर वो सारा तुरंत ही निकल जाए। तो तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहना चाहिए जब भी चिप्स बनाएं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि तेल तेज गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा ना हो। तो एक बार में जितने भी आसानी से हमारे चिप्स आ जाएंगे तो उतने ही हम इसमें डालेंगे एक बैच में। और जब हल्के से सुनहरे होने लगे तो उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। और जब तक ये क्रिस्पी किनारे ना हो जाएं तो तब तक हम इनको पलट पलट के फ्राई करते रहेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारे ये पोटैटो फिंगर रोल चिप्स हैं एकदम क्रिस्पी करारे हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। सच में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए इनको फटाफट से हम निकाल लेते हैं। और जो हमारे बाकी के फिंगर रोल चिप्स हैं इनको भी हम सेम ऐसे ही तेज गर्म तेल में फ्राई करेंगे। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी आज की रेसिपी, बार बार बनवा कर खाएंगे आपसे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे क्रिस्पी करारे बनके तैयार हैं पोटैटो फिंगर रोल चिप्स। सभी चिप्स को फ्राई करने के बाद अब जो हमने इसके बीच में टूथपिक लगाई है तो इसको बहुत ही आराम से निकाल देंगे, तो बहुत ही इजीली ये टूथपिक निकल जाती है। तो हल्का सा इसको घुमाएं और इजीली निकाल लें इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके ये जो चिप्स हैं ये टूटेंगे भी नहीं, थोड़ा सा घुमाएं और निकाल लें। तो देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये हमारे आज के पोटैटो रोल चिप्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली हमने सभी टूथपिक को निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पे हल्का सा काला नमक, क्योंकि हमने नमक का इस्तेमाल पहले भी किया है। अब इसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना पाउडर। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया से कोटिंग हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारे चटपटे बहुत ज़्यादा मज़ेदार एकदम क्रिस्पी करारे पोटैटो फिंगर रोल चिप्स। बच्चों को भी ये डिज़ाइन वाले चिप्स बहुत ही पसंद आएंगे, तो एक बार इनको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। तो इनको आप एक बार बना के एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लें और महीनों तक इनको इंजॉय करें। तो अगर ये आज की मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।